सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। मोरगा और जूने में मनाया रास्ता सुरक्षा अभियान, युवा किसान ने लगाई फांसी। मलेशिया का जहाज पोलारिस और ग्रीक कैरियर से टकराया। अब खबरें विस्तार से। रास्ता सुरक्षा अभियान पूरे गोंदिया जिले में मनाया जा रहा है, जिसके चलते गोंदिया जिले के मोरगा और जूनी तहसील के अर्जुनी पुलिस विभाग की ओर से रास्ता सुरक्षा अभियान इटखेड़ा हाई स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय इटखेड़ा और स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय इनके संयुक्त विद्यमान से रास्ता सुरक्षा अभियान को आयोजित किया गया था, जिसके चलते वाहनों को चलाते समय सुरक्षा बरतने के नियमों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। पुलिस उपनिरीक्षक बाबूराव शेवाड़े और सहायक उपनिरीक्षक माणिक खरकाटे इनके मार्गदर्शन में किया गया। रैली में घोष वाक्य लिए गए, हेलमेट घाला अपघात टाळा, घाई नसली चिंता मिटली, वेगाला आवरा जीवाला सावरा, सीट बेल्ट लावा फोर व्हीलर चालवा, हेलमेट घाला मोटरसाइकिल चालवा, रोड पर इतनी मत कर मस्ती, जिंदगी नहीं इतनी सस्ती, दारू पीकर न चलाए गाड़ी, दुर्घटना हो सकती है बड़ी, मोबाइल व्हाट्सअप फेसबुक आहे खास, वाहन चालवताना वापराल तर घात होईल हमखास, वाहतुकीचे नियम पाळा अपघात टाळा, ऐसे घोष वाक्य रैली में दिए गए थे। युवा किसान ने लगाई फांसी, लगातार हो रही फसलों की बर्बादी और बैंकों से लिए कर्ज के बोझ से तंग आकर एक युवा किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत किसान का नाम देसाईगंज के नैनपुर प्रभाग निवासी चेतन चिंतामन तलमले उम्र 35 साल बताई जा रही है। घटना शनिवार की सुबह 10 बजे के करीब घटी। चेतन के पास 2.5 एकड़ खेती है। विगत 3 वर्षों से बारिश की कमी के कारण फसलें लगातार बर्बाद हो रही थी। मलेशिया का जहाज पोलारिस और ग्रीक कैरियर से टकराया। यह तस्वीर सिंगापुर के तूस तट की है। वह शनिवार को मलेशिया का सरकारी जहाज पोलारिस और ग्रीक तेल टैंकर टकरा गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि टक्कर से तेल रिसाव हुआ या नहीं। सिंगापुर मशीन ट्रैफिक के मुताबिक ये टक्कर जहाज के बिना मंजूरी के जल सीमा से गुजरने के चलते हुई है। दोनों जहाज एक ही दिशा में पहुंच गए और हादसा हो गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।